एक थी बकरी, उसके थे दो बच्चे, एक का नाम था लैला, एक का नाम था बलैला। वो बकरी रोज शाम को सुबह को घास खाने जाती और शाम को वापस आके कहती, लैला मन बलैला मन बुझी चीनी बगोश बीनी, कुंडा खोलो। तो उसके बच्चे भाग के जाके कुंडा खोल देते। तो वो रोज ऐसे करती। एक दिन ना शेर छुप के देख रहा था। शेर ने कहा, इसके बच्चे जो है वो किधर है? तो वो देख रहा था, बकरी आई तो कहती, लैला मन बलैला मन बुझी चीनी बगोश बीनी, कुंडा खोलो। यानी के लैला मेरी जान, बलैला मेरी जान, मेरी आवाज़ को सुन लो, मुझे देखो और कुंडा खोलो। तो वो ना रोज फिर ना वो शेर कहता, अच्छा तो ऐसे करती है। शेर आके करता, लैला मन बुझी चीनी बगोश बीनी, कुंडा खोलो। तो बच्चों को पता नहीं था कि ये शेर है। उन्होंने भाग के जाके कुंडा खोल दिया। कुंडा खोला तो देखा आगे शेर खड़ा था। शेर ने हप हप करके बकरी के बच्चों को खा लिया। शेर जंगल में भाग गया। जब बकरी आई तो कहती, लैला मन बलैला मन बुझी चीनी बगोश बीनी, कुंडा खोलो। तो कुंडा फिर उसने कहा, लैला मन बुझी चीनी बगोश बीनी, कुंडा खोलो। फिर कोई ना। उसने जोर से हटके टक्कर मारी, दरवाजा टूट गया और अंदर देखा बच्चे कोई ना। उसने कहा, कौन मेरे बच्चों को खा गया? कोई तो कोई मेरे बच्चों को खा गया। उसने कहा, मैं लोहार के पास जाती हूँ। लोहार से कहा, लोहार लोहार मेरा दूध निकाल लो और मेरे सिंगों पे ना दो छुरियाँ लगा दो। लोहार ने कहा, ठीक है। उसने उसके सिंगों पे दो छुरियाँ लगा दी और उसका दूध निकाल लिया। फिर वो जंगल की तरफ भागे तो उसे आगे से भेड़िया मिला। भेड़िया से कहती, लैला मन बलैला मन दीदम खुदम। यानी के भेड़िया, भेड़िया क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है या खाया है? भेड़िया ने कहा, नीस दीदम नीस खुदम, ना मैंने देखा है ना मैंने खाया है। फिर वो आगे गए। आगे से उसको लूमड़ी मिली। लूमड़ी से कहती, लैला मन बुझ दीदम खुदम। लुमड़ी कहती, निस दीदम निस खुदम। उसने कहा, इन्होंने नहीं खाया तो फिर कौन खा गया होगा? जाहिर सी बात है, शेर ही खा गया होगा। तो वो शेर के पास गए। शेर से कहती, लैला मन बलैला मन दीदम खुदम। शेर कहता, खुदम खुदम खुदम, यानी कि मैंने खाया खाया खाया। तो उस बकरी ने जोर से हटकर टक्कर मारी उसके पेट में, पेट फट गया, बच्चे निकल आए। और बच्चों को लेके वो बकरी अपने घर खुशी खुशी चली गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा तो बताना।